केंद्रीय बजट को जनता के हित में बताते हुए केंद्रीय कानून एवं विधि राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने केंद्र सरकार के बजट की जमकर तारीफ की। एसपी सिंह बघेल ने बताया कि देश में 50 एयरपोर्ट के लिए सरकार वचनबद्ध थी, जिसमें से 9 एयरपोर्ट यूपी में संचालित हो रहे शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 10,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जबकि रोजगार के अवसर देने के लिए एमएसएमई में 9,000 करोड़ का खाका तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री का कहना था कि ग्रामीण अंचलों के साथ शहर में भी रोजगार लोग अपने हिसाब से पा सकते हैं। इतना ही नहीं, एसपी सिंह बघेल ने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने किसी को भूख से नहीं मरने दिया, देश और प्रदेश की जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया, इसीलिए ये बजट आम आदमी का बजट है। इसमें हर वर्ग के लोगों के लिए संभावनाएं हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला उत्थान को विशेष तौर पर शामिल किया गया है। दूरदर्शी भी बजट है। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के 75 साल पर पिछले साल से 10 साल में तमाम योजनाएं की और हमने सफलतापूर्वक अपनी आजादी के और 75 साल होने पर कर्तव्य की इतिश्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने बल्कि आने वाले 25 साल जब हम आजादी के 2047 में 100 वर्ष कर रहे होंगे, तब भारत आर्थिक स्तर पर नंबर 1 पर होगा, विश्वगुरु होंगे, एक सुपर पावर होंगे, पर कैपिटा इनकम भी बहुत अच्छी होगी और विकसित राष्ट्र होंगे। कोई भी देश साल दो साल में विकसित राष्ट्र नहीं होता। हम अंडरडेवलप्ड थे, डेवलपिंग कंट्री हो गए हैं। 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य था, उसको हम पार किए हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एक रिपोर्ट को मैं देख रहा था कि 10-5 साल में ही भारत 10 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी पर पहुंच जाएगा। तो 2047 तक हमें तो नहीं रहना है, लेकिन उसके न्यू प्रधानमंत्री जी ने इसी बजट में रख दिया। और जब इतना अच्छा बजट 2023-24 का है, तो हमारे लिए ये बजट अपने आप में एक आधार रहेगा। जो 24-25 का आएगा, तो जब इसी को मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा बजट मानता हूँ, जब 24-25 में आएगा तो 23-24 तो मद्देनजर रह गई। इसका मतलब एक ऐसी लाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ने खींच दी है कि आने वाले समय में उनको ही अपने पुराने रिपोर्ट को तोड़ते हुए नया कीर्तिमान बजट संबंधी स्थापित करेंगे। तो ये अमृतकाल का पहला आम बजट 23-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों और आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को करने वाला बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया की सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के लिए समर्पित आम बजट के लिए हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री सीतारमन जी एवं उनकी पूरी टीम को अभिनंदन करते हैं। नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान किया गया और व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिला है। इस बजट की 7 अर्थात सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं: समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास,
युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती इस बजट की बहुत मुख्य विशेषता है। यह महज वर्ष 23-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल एक विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। 1 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त में पिछले कई साल से पा रहे हैं। कालाहांडी की तरह पूर्ववर्ती सरकारों में भूख से मौत कोरोना काल में भी नहीं हुई है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोन, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का विकास किया जाएगा। यूपी में ले लीजिए कि 9 एयरपोर्ट कार्यरत हैं इस समय। सरकार शहरी बुनियाद ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती इसलिए देना चाहिए क्योंकि गांव से पलायन हो रहा है। जो भी थोड़ा भी शिक्षित और प्रोग्रेसिव दिमाग का है वो या तो अपने कस्बे में नगर पंचायत या नगर पालिका में परिषद में आ रहा है, और जो वहाँ रह रहा था पहले से तो वो मेट्रो में या नगर निगम में या उत्तर प्रदेश के जो कवाल टाउन्स कहलाते हैं वहाँ आ रहा है। इसलिए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और लोगों को शिक्षा के प्रति रुचि है तो शिक्षा के लिए वो शहर में आएंगे, तो उसके लिए भी व्यवस्था 10,000 करोड़ रुपये का किया गया है। MSME, अगर देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से जाता है तो देशकाल परिस्थितियों के अनुसार ये भी हमें कहना पड़ेगा कि देश की खुशहाली का रास्ता लघु एवं कुटीर उद्योगों से भी जाता है। इसलिए MSME को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, इससे उन्हें 2,00,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट भी मिलेगा। यह घरेलू अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती देगी, उसमें रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, क्योंकि टूरिज्म अपने आप में एक इंडस्ट्रीज होता जा रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति देश या विदेश की हो, उनको घूमने के लिए उनका परिवार दबाव बनाता है, इसलिए हमें पर्यटन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में उन्हें विकसित किया जाएगा। 1 district 1 product हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदाय के लिए आय बढ़ाने के लिए 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इससे गायों की ब्रीड चेंज होगी, उन्नत किस्म के होंगे और दुधारू उसको बढ़ावा मिलेगा, और कहीं ना कहीं निराश्रित गोवंश को भी समस्या हम दूर कर पाएंगे। कुल मिलाकर यह बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। ये बहुत विजनरी बजट है, और मोदी जी जो हम आज सोचते हैं, जो 20-30 साल बाद सोचते हैं वो आज सोचते हैं। इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप ये बात जनता तक पहुँचाएंगे, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि ऐसा इसी अच्छे बजट की वजह से बजट पर चर्चा ना हो और राष्ट्रपति का भाषण, जिसके एक एक पैराग्राफ में लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उस पर चर्चा ना हो, उस पर विपक्ष कहने को कुछ था ही नहीं, इसलिए तमाम कपोल कल्पित रिपोर्टों के आधार पर सदन को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया था, क्योंकि विपक्ष ना राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर फेस कर सकती थी बीजेपी सरकार को, और ना बजट के ऊपर किसी भी प्रकार की वो आलोचना कर पाते, क्योंकि इसमें ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर कमी कहीं है। एक विरोध के नाते भले विरोध किया हो, लेकिन व्यक्ति के शरीर में दिल और दिमाग दो होते हैं। दिल बड़ा भावुक होता है, संवेदनशील होता है और सच बोलता है, दिमाग शातिर होता है, तो वो दिमाग से उन्होंने विरोध जरूर किया है, लेकिन दिल से ऑफ द रिकॉर्ड मिलने पर उन लोगों ने भी कहा है कि ये बजट बहुत ही अच्छा है, ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि सीनियर सिटीजन जब होता है तो उस पे बीमारी इत्यादि भी उनको ज्यादा होती है, तो कम से कम एक बड़ी राहत उनको मिलेगी। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। ज्यादातर इसी लिमिट में सीनियर सिटीजन रहते हैं, चाहे वो पेंशनर होल्डर हो। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों को कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। 2023-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुझे लगता है कि अभी तो गडकरी साहब ही हाइड्रोजन वाली कार लेकर के पार्लियामेंट में आते हैं, लेकिन जब वो प्रिंसिपली
बन चुकी है और सफल है, तो आने वाले सालों में हम मैं महसूस कर रहा हूं कि आप सबके पास भी ईवी व्हीकल होंगे और हाइड्रोजन पर आधारित व्हीकल, कार या मोटरसाइकिल ही लेकर के आप 2-4 साल बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आया करेंगे। सरकार का 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत ओजोन लेयर, ग्रीन गैसेस, ये विश्व की बड़ी समस्याएं हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने हमेशा वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर हमेशा इसकी चिंता की है और उसके लिए चिंता ही नहीं किया, 35,000 करोड़ रुपये का फंड दिया बनकर दिया। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावना बढ़ेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे फील्ड के लिए एप्स तैयार होंगे। रेलवे का बजट अलग होता था, हमेशा देखते थे, अब रेलवे इसी में शामिल करते हुए रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय के 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। तो 9 गुना पॉपुलेशन नहीं हुई है, 9 गुना पैसेंजर्स नहीं हुए, 9 गुना रेलवे लाइन नहीं, लेकिन 9 गुना बजट करने का मतलब है कि अब यात्रियों को सुविधाएं मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट खर्च को 33% बढ़ाकर 10,00,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, 2019-20 की तुलना में लगभग 33% अधिक है। तो भावनाओं से देश नहीं चलता है, काम होता है वो फंड से, पैसे से होता है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने व्यवस्था कर रखी है। राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट फ्री लोन को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या गैर भाजपाई हो। ये राज्य सरकार थोड़े काम करने में लेट हो जाती है। आज आपको याद करने का मुख्य उद्देश्य 2023-24 का जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मेरे राजनीतिक जीवन के 6 कार्यकाल में मैं इस बजट को सबसे अच्छा बजट मानता हूं, क्योंकि ये बजट सर्वव्यापी है और सर्वग्राही है और सर्वस्पर्शी है। इसमें क्षेत्र को भी बैलेंस किया गया है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर कामरूप, हर राज्य का, हर केंद्र शासित प्रदेश का, भाजपा शासित राज्य या भाजपा शासित राज्य। जेवी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।